बैकग्राउंड रिमूव करना या फिर कह लें कि PNG फ़ोटो बनाना, दोनों एक ही बात हो जाती है कहीं ना कहीं। और ऐसे में हमें बहुत जगहों पे काम पड़ जाता है कि हम बैकग्राउंड रिमूव कर लें या फिर कहीं PNG फ़ोटो लगा लें, चाहे हम वो थंबनेल बना रहे हों या फ़ोटो एडिटिंग कर रहे हों, आपको हर जगहों पे ऐसा कहीं ना कहीं काम पड़ जाता है। बट आज के टाइम पे बैकग्राउंड इरेज करना या बैकग्राउंड हटाना या फिर कहें PNG फ़ोटो बनाना इतना भी कठिन नहीं है। ऐसे में टेक्नोलॉजी का टाइम है और बहुत सारे ऐप्स आ जाते हैं, हाई हाई एल्गोरिदम वाले सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जहाँ से आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। बट मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिसमें से आपका जो है समय बचेगा और आपको मैनुअल करना नहीं पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज मौर्या, आप देख रहे हैं ज्ञान टापरी। आप अगर जो प्ले स्टोर पर चल जाएंगे और अगर जो सर्च कहीं कर देते हैं कि बैकग्राउंड इरेसर, तो आपको बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे। या आप कर दें कि फ़ोटो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर सर्च कर लें, तो फ़ोटो एडिटिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं। जैसे ये आप सर्च कर लेते हैं, मान लीजिए फ़ोटो एडिटर, तो बहुत सारे फ़ोटो एडिटर आपको ऐप्स मिल जाते हैं। या फिर पिक्सआर्ट या दुनिया भर के आपको ऐप्स मिल जाते हैं, उसमें आपको मैन्युअली जो है बैकग्राउंड इरेज करना पड़ता है। बट मैं आपको कुछ ऐसे ऐप्स या ऐसे जो है चीज़ें बताऊँगा जहाँ से आप इरेज करेंगे और आपके फ़ोटो का क्वालिटी भी बना रहेगा। तो वो कैसे कर पाएंगे, चलिए स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेबसाइट का आसान तरीका जान लेते हैं जहाँ पे हमको सर्वर से ही रिमूव करके बैकग्राउंड दे दिया जाएगा। उसका बहुत ही फेमस एक जगह चीज़ है, VG आप लिख देंगे, यानी बैकग्राउंड रिमूव डॉट VG, या फिर आप VG सर्च कर देंगे गूगल पे, तब भी आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप सिंपली ये ओपन कर लीजिएगा और यहाँ से आप अपलोड करके जो भी आपका फ़ोटो है यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने मल्टीपल फ़ोटो रखे हुए हैं, मैंने जो है ऑनलाइन फ़ोटो रखा, आप अपना फ़ोटो रख लीजिएगा। मैं एग्जांपल के लिए ऐसा फ़ोटो रख रहा हूँ, ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए किसी भी फ़ोटो पे मैं क्लिक करता हूँ और वो फ़ोटो अपलोड करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ उसका बैकग्राउंड कैसा रिमूव होता है। सो यहाँ पे देखिए, ये फ़ोटो का मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे आप अगर जो फुल HD में डाउनलोड करना चाहते हैं इस फ़ोटो को इसी के साइज़ में, तो आपको एक बार यहाँ पे जो है लॉगिन करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको ईमेल ID देना पड़ेगा। ऐसे में आप रैंडम ईमेल का जो है या फेक ईमेल करके साइट चेक कर सकते हैं और वहाँ से बार बार आप लॉगिन करके जो है फुल क्वालिटी में फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। चलिए मैं इसी में आपको दूसरा इमेज अभी और एक जो है बैकग्राउंड रिमूव करके दिखा देता हूँ। चलिए मैंने इमेज किया और मैं यहाँ पे डन कर देता हूँ। उसके बाद मुझे एक और इमेज जो है यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव करके मिल जाएगा। इसमें कुछ कमी भी हो सकती है, जब भी बैकग्राउंड रिमूव होता है तब आप इसमें थोड़ा सा एडिटिंग भी यहीं पे कर पाएंगे। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कैसे कर पाएंगे। ये तो यहाँ पे देखिए ये हो गया, ठीक है। अभी इसमें मान लीजिए आपका ये बैकग्राउंड बहुत ही कमाल का एडिट जो है हुआ, आपको अच्छा लग रहा है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इवन आप इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप एडिट पे क्लिक करके जो है इसका एडिटिंग थोड़ा बहुत कर सकते हैं। एडिटिंग में देखिए इरेज एंड रिस्टोर दिया गया है, यहाँ पे ब्रश का साइज दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ से मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाऊँ, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये इरेज हो गया, ठीक है। और इतना भी आपका मान लीजिए बैकग्राउंड में कट चुका है, तो आप रिस्टोर पे क्लिक करके इसको रिस्टोर ऐसे कर सकते हैं मैनुअली। आप ब्रश छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट ज़्यादातर ये होता है कि आपका ये जो है बेहतर ही करके देता है। चलिए अब दूसरे तरीके की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया ऑटोमेटिक रिमूव के लिए, अभी और भी अच्छे अच्छे तरीके आपको दिए जाएंगे। तो अगला चीज़ है जो हमारा, वो आप प्ले स्टोर पर आएंगे तो एक फेमस ऐप है जो है फोटो रूम करके। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये 26 MB का ऐप है, आप में कितना दिखा रहा है आपके हिसाब से। तो चलिए इसको हम डाउनलोड होने देते हैं। तो डाउनलोड होने के बाद हम इसको जब ओपन करते हैं, आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा अगर जो आपको ऐसे ही इरेज करना रहेगा बैकग्राउंड को। इसको ओपन होने देते हैं, इसका पूरा सेटअप हम फटाफट कर लेते हैं। स्टार्ट फ्रॉम फ़ोटो, आप यहां से अपना एक फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके पास हो। तो आपके पास जो भी फ़ोटो हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया, अभी ये उसको स्कैन करेगा इसका एल्गोरिदम और इसका बैकग्राउंड इरेज करके हमको दे देगा। तो चलिए देखिए इसका बैकग्राउंड इस प्रकार से कुछ उसने इरेज कर दिया, ठीक है। अब आप व्हाइट बैकग्राउंड के साथ जिसको डाउनलोड करना चाहते हैं, ब्लैक बैकग्राउंड के साथ ट्रांसपेरेंट करके, तो आप मैं ट्रांसपेरेंट पे इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कुछ हद तक इसने देखिए काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे दिया हुआ और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके और वाटरमार्क आप
साथ आएगा तो मैं जो है वाटरमार्क के साथ ही इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अगर जो आप इसको जो है थंबनेल वगैरह में लगाते हैं, कहीं भी लगाते हैं, तो थोड़ा बहुत आप दिमाग लगा के वाटरमार्क भी हटा सकते हैं। इवन इसका आप पेड वर्जन भी गूगल पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट वाटरमार्क, ये आपके ऊपर है। तो ये दूसरा तरीका था जिसमें हमने बताया कि आप बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर पाएंगे। इसमें भी फोटो की क्वालिटी रहती है, अभी हम सारा फोटो चेक करेंगे। अब चलिए हम फिर तीसरे से एक सर्वर से तरीके पर आ जाते हैं। पर वो तीसरा तरीका क्या है, वो एडाब का तरीका है, जो बहुत ही कमाल है, जिसका एडाब ने फोटोशॉप, लाइट रूम और दुनिया भर के एडाब ने फोटो एडिटिंग का ऐप बना रखा है। तो यहाँ पे जो है एडाब स्पार्क, और ये मशहूर भी है, रिमूव बैकग्राउंड आपको सर्च करना है, एडाब स्पार्क रिमूव बैकग्राउंड। अब इसको सर्च करने के बाद आपको पहला लिंक है उस पर ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपके फ़ोटो को अपलोड करने का। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और जिस फोटो का आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं वो फोटो आप यहां पे अपलोड कर दीजिए। तो यहां से सिलेक्ट कीजिएगा आपको जिस भी फोटो का बैकग्राउंड इरेज करना है या बैकग्राउंड हटाना, आप उसको यहां पे अपलोड कर दीजिएगा। आफ्टर अपलोडिंग, ये जो है एडाब का है तो हम इस पर काफ़ी जो है विश्वास कर सकते हैं कि इसका एल्गोरिदम बहुत ही अच्छे से काम करेगा। तो कुछ ही समय में इसने एक बेहतरीन सा फ़ोटो जो है एडिट करके दे दिया गया। आप जब पहली बार आएंगे तो इस पर आपको जो है ईमेल से लॉगिन करना रहेगा। और इसकी खास बातें हैं कि जो भी आपका फ़ोटो का क्वालिटी रहेगा उसमें क्वालिटी में कोई भी गिरावट नहीं आएगी। आपका फ़ोटो 10 MB का रहेगा, 8 MB का रहेगा, तो उसमें कोई भी गिरावट नहीं आएगी। जबकि बीजी में आपको बैकग्राउंड रिमूव वाले बीजी में आपको क्वालिटी में गिरावट आएगी, या तो आप हर बार एक नए ईमेल आईडी से लॉगिन कीजिए। अब चलिए हम इसमें कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करने के लिए हम इस पे यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे हमने डाउनलोड किया है। अब डाउनलोड में हम देखते हैं कि जहाँ पे हमने डाउनलोड किया है, यहाँ पे देखिए हमने ये इमेज जो है एडाब के स्पार्क से जो है किया है हमने रिमूव। यहाँ पे देखिए क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। क्वालिटी में हम देखें तो यहाँ पे MB में देखें 9.1 MB की, इसकी फ़ोटो की क्वालिटी नहीं गायब हुई। अब यहीं पे हमने दूसरा फोटो देखेंगे BG से हमने किया था 212 KB का, इसमें क्वालिटी रिड्यूस हो गया। आप इसको क्या कीजिएगा, अगर जो ईमेल से करते हैं लॉगिन तो आपको क्वालिटी मिलेगा। अब ये तीसरा फ़ोटो जो हम बता रहे हैं ये भी BG से है, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं, इसमें जो हम देखेंगे तो ये भी देखिए 207 KB का हो गया। अब यही चीज़ हम और एक जो हमने किया था रिमूव वो यहाँ पे बैकग्राउंड, तो वो दूसरी जगह पे सेव हुआ है। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। ये फोटो रूम से हमने किया था, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इसकी भी क्वालिटी ठीक है, 2.3 MB है क्वालिटी, हम देखेंगे ठीक है इस फोटो की। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे वाटरमार्क आ गया। अभी आप कहीं भी यूज कर रहे हैं तो आप ऐसे इसको क्रॉप कर देंगे तो वाटरमार्क हट जाएगा। आप अपने हिसाब से फ़ोटो छोटा बड़ा करके जैसा भी आपको यूज करना रहेगा वहाँ पर यूज कर पाएंगे। कुछ हद तक ये आपके काम भी आ सकता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये एडिटिंग। आपको मेरे हिसाब से मैं रेटिंग देना चाहूँगा एडाब स्पार्क रिमूव बैकग्राउंड को। ये काफ़ी बेहतर है जो आपके बैकग्राउंड को पल भर में रिमूव करके देता है। तो जब भी आप कोई चीज़ यूज करना चाहते हैं, थंबनेल बनाना चाहते हैं, या फिर आप फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं, कहीं भी ले जाके बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, तब आप यूज कर सकते हैं एडाब स्पार्क बैकग्राउंड रिमूवर का। तो मेरे हिसाब से ये बेटर है। अभी आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हैं ताकि हर लेटेस्ट ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।